हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक और रेसिपी के साथ आपके साथ आ गई हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं सत्तू मसाला। तो चलिए जान लेते हैं हमें सत्तू मसाला बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। सॉल्ट, सत्तू चने का आटा, जो अनियन जो कि मैंने चॉप कर लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिर्ची का अचार, चाहे तो आप बाजार वाला भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे घर का यूज़ किया है, और चिल्ली जो कि मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं, और लेमन जिसका हमें जूस चाहिए होगा। चलिए अब ये सब इंग्रेडिएंट को हम एक बॉल में ऐड कर देते हैं। तो मैंने पहले ऐड किया है चॉप्ड ऑनियन, सत्तू का आटा, चना फ्लोर, चॉप्ड चिली, अभी हम इसमें ऐड करेंगे मिर्चे का अचार जो कि मैंने घर वाला यूज़ किया है, चाहे तो आप यहाँ पे मैंगो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट और स्वाद अनुसार नमक एज पर योर टेस्ट। और नींबू का रस। अब हमें ये सब को एक साथ अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सत्तू मसाला बनके तैयार है, जो बहुत ही चटपटा होता है। आप चाहे तो इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, या तो चाहे तो चावल के साथ खा सकते हैं। और जो ये बचा हुआ स्टफिंग है, आप उसका पराठा भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी होता है। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।